नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद। और हम लोगों ने अभी तक के वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम को देखा है, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबको जाना है। अब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अगर एग्जाम में हमारे कुछ सवाल आते हैं इससे, तो उसे हम लोग सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि सो डैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पी बाई क्यू। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर में देखा था कि वहां पर दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो रिपीटिंग किसको कहते हैं हम लोग, जब एक ही डिजिट बार बार आने लगे तो उसे हम लोग रिपीटिंग रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग रिपीटिंग रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं और इनको हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है और किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से शुरू करेंगे। हमारा दिया हुआ है 0.33, तो हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं x जो है वो 0.333 के बराबर है। तो अब आगे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसको x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो 10x हमारा क्या हो जाएगा, 10x का मतलब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.333 से। तो हम लोग जानते हैं जब 10 को अगर किसी डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, एक जीरो के कारण जो है वो राइट हैंड साइड एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.333। इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग इसको, इस ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम चाहें 3.333 को हम लोग लिख सकते हैं 3+0.333। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू सेम आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 0.333 जो है वो x के बराबर भी था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3+x। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वापस 10x पर आ जाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 10x जो है वो बराबर किसके होगा, 3+x के बराबर, क्योंकि 10x का वैल्यू 3.333 था और उसको हम लोग 3+x के फॉर्म में ले आए हैं, 3+x। तो अगर x को हम इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x = 3। तो हमारा बचेगा 9x = 3, x = 3/9। अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 होगा, ये 3 बचेगा, तो वैल्यू हमारा 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो यहां हम लोगों का x = 1/3 है और हम लोग दिखा चुके हैं कि ये रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड मेंशन विच फॉर्म इट इज। तो यहां कह रहा है कि हम लोगों का जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 36/100 और 1/11, इसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि ये किस फॉर्म का रैशनल नंबर है, क्या ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या ये नॉन टर्मिनेटिंग या जिसको हम लोग रिपीटिंग रैशनल नंबर कहते हैं वो है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 36/100। तो 36/100 को हम लोग डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तो 36 लिखेंगे, जितना डेसिमल जीरो होगा उतना डेसिमल हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं 20 है, तो 1, 2 यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है और हम लोगों का वैल्यू आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। अब हम लोग आ जाते हैं 1/11 में कि 1/11 का क्या वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से ये 1 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये काफी छोटा है, तो हम लोग एक डेसिमल लेते हैं जिससे ये 0 आ जाता है। अभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 और ले लेते हैं, ये 100। अब 11 9 जा कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, जो इससे कम है, तो ये 1 आ जाएगा। अब फिर ये 1 छोटा है 11 से,
तो फिर यहां पर एक जीरो आ जाएगा, उसके बाद एक जीरो और डालेंगे, फिर ये 99, तो फिर ये 1 आ जाएगा। इसको वापस से हम लोगों को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 99 आया, फिर 1 बच गया, तो फिर 09, तो इस तरह से करके हमारा आता रहेगा इस तरह से। तो ये कितना वैल्यू आ गया इसका, 0.09, 0.09, 0.09, इस तरह से आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रिपीटिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग इसे कह सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग क्या होता है। इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी रैशनल नंबर में हम लोगों ने इसे समझा था। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, एक्सपोनेंट का कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। अब एक्सपोनेंट के सवाल को सॉल्व करने के लिए उससे पहले उसके कुछ लॉज होते हैं जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है, ताकि उससे हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। सपोज हमारा एक लॉ क्या है कि ए एक्सपोनेंट एम अगर इंटू करते हैं ए एक्सपोनेंट एन से, जहां पर कि एम और एन अलग अलग नंबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ए एम प्लस एन के बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज दिया हुआ है 2 1/3 इंटू 2 2/3, इस तरह का हम लोगों को दिया हुआ है एक सवाल। अब इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इसको हो जाएगा 2, अब ये मान लीजिए कि m है और ये n है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 3/3 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई सवाल हम लोगों को दिया होता है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट वहां क्या होगा, एड हो जाएगा। अगर सपोज एक्सपोनेंट का ही एक्सपोनेंट हम लोगों को दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है ऐसा ए एम टू द पावर एन, इस तरह से अगर हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां वैल्यू हो जाएगा ए एम इंटू एन। अब इसका भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 2 द पावर 3 और उसके ऊपर में फिर पावर है 1/3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज कि डिवीजन में हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहां क्या होगा, यहां दोनों का एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसके एक्सपोनेंट को हम लोग कैंसिल आउट या कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ए एम माइनस एन हो जाएगा। अब सपोज कि हम लोगों का दो जो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है, ए और बी ले लेते हैं, अभी तक में हम लोगों ने सेम वेरिएबल लिया था, ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं तो क्या होता है, पावर एम और बी टू द पावर एम। तो यहां पर क्या कर होगा, एम हम लोग कॉमन लेके एक्सपोनेंट ले लेंगे और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी टू द पावर एम, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज एक्सपोनेंट का अगर यहां पर हम लोग एक सवाल देखें कि यहां पर दिया हुआ है 3 टू द पावर 1/5 और फिर उसके बाद पावर है 1/4 का, तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट दिया हुआ होता है तो हम लोग वहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां 3 1/5 इंटू 1/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1/20, ये सिंपल यही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग अंडर रूट का सवाल देखें तो क्या है, √3 + √7 और फिर ब्रैकेट में √3 - √7, तो यहां पर हम लोगों को ध्यान में कुछ फॉर्मूलाज को रखना होगा, जैसे a² - b² का फॉर्मूला। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b - a - b, अगर इसको मान लीजिए a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो ये किस फॉर्म में है, a + b * a - b, जिसको हम लोग लिखते हैं a² - b², तो सेम अगर हम लोग a² - b² करें, ठीक है, √3 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर,
तो हम लोग जानते हैं जब रूट को मल्टीप्लाई करते हैं वापस से रूट से तो वो रूट खत्म हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7, इसका वैल्यू आ जाएगा -4। अब स्क्वायर रूट का अगर हम लोग और एक फॉर्मूला देखें या एक सवाल सॉल्व करें तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारा सवाल दिया हुआ है 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो अब इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट से निकाल देते हैं। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे √2 हमारा कॉमन है तो इसको साथ में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 और √3 सेम है तो इसको एक साथ लिख देते हैं, 5√3 माइनस 3√3। तो अब हम लोग जानते हैं कि √2 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो अगर √2 को हम लोग कॉमन ले लें तो यहां इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बचेगा 2 और इसमें कुछ नहीं बचेगा मतलब 1। प्लस यहां भी √3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों में, √3 तो √3 यहां से खत्म हो जाएगा, 5 और √3 यहां पर भी नहीं रहेगा तो 5 माइनस 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 × 3 प्लस √3 × 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 प्लस 2√3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा अगर एक्सपोनेंट में इस तरह का हम लोगों को सवाल दिया रहता है। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल अगर आप लोगों को आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स होते हैं और कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर होता है। तो यहां पर का हमारा सवाल है कि इस फॉर्म में हमारा कोई नंबर है 4m + 5n डिवाइडेड बाय m + n। तो इस तरह का अगर हम लोगों को नंबर दिया हुआ है तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो फॉर्म में नंबर है वो हमारा 4 और 5 के बीच का कोई एक रैशनल नंबर है। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें ये देखना है कि m और n जो होगा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं प्रूफ करने का कि ये 4 और 5 के बीच का कोई रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले जो हमारा गिवन है उसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। ये है हमारा दिया हुआ 4m + 5n डिवाइडेड बाई m + n। अब हम लोग जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, इसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, तो इसको कोशिश करते हैं किसी और फॉर्म में लिखने का। तो हम लोग लिख सकते हैं 4m + n + n डिवाइडेड बाई m + n। अब हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं तो क्या इसमें कोई अंतर आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर देखिए अगर इसको हम लोग किसी फॉर्म में लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × n 4m हो जाएगा, फिर 4 × n प्लस 4n हो जाएगा प्लस n। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4m और 4n प्लस n तो 5n के बराबर आ जाएगा। तो ये सेम है तो इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग अलग अलग इसको करके लिखेंगे, तो इसको अलग अलग करने के लिए एक पार्ट में इसको लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको लिखेंगे, तो हमारा m प्लस n जो होगा वो दोनों के नीचे आएगा। तो 4m + n डिवाइडेड बाई m + n प्लस n बाई m + n। अब यहां पर m + n और ये m + n दोनों क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहां वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + n / m + n, ये हमारा वैल्यू आ जाता है। अगर सपोज कि n डिवाइडेड बाई m + n को मान लेते हैं k, ठीक है, लेट k जो है डिनोट कर रहा है या दिखला रहा है किसको, n / m + n को, और ये हम लोगों ने पहले ही कहा है कि m और n जो है पॉजिटिव रैशनल है तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से 0 से, ये छोटा नहीं होगा। तो इस तरह से एक ये वैल्यू आ गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k 4 + k, मतलब k कोई भी एक नंबर है जो 0 से बड़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख, वापस से हम लोग ये 4 से किए, अब हम लोग 5 का करके देखते हैं। तो
अगेन हम लोग लेते हैं 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब इसको जो फॉर्म में लिखना है हम लोग लिखते हैं 5m प्लस n माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वापस से 4m प्लस 5n ही आ जाएगा, क्योंकि 5n माइनस m 4m आ जाएगा और 5n हमारा 5n के बराबर होगा। तो इसको आगे वापस से अलग अलग हम लोग करके इसको डिनोट करते हैं 5m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस m बाई m प्लस n। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस m बाई m प्लस n। अब 5 माइनस m बाई m प्लस n आया है और यहां पर m बाई m प्लस n को हम लोग डिनोट कर देते हैं j से, j इज इक्वल टू m बाई m प्लस n और ये ग्रेटर है जीरो से, तो ये हम लोग कर सकते हैं 5 माइनस j। तो यहां हम लोग देखते हैं कि 4 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है, तो यहां पर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि जो वैल्यू है हमारा, ये इसका जो वैल्यू होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये सवालों से आपको आगे सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।